हे गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? एंड हैप्पी दिवाली। तो अभी मैं सो के उठी हूँ। चलो नहा के आते हैं पहले। हाँ तो हम नहा लिया, पूजा भी कर लिया, चलो चाय पीते हैं। अब थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते हैं क्योंकि फिर दिन भर टाइम नहीं मिलने वाला, और पढ़ाई करने के नाम पे मैं लेसन प्लान लिख रही हूँ। और पढ़ते पढ़ते मुझे मिल गया ये। Wow! और सिर्फ 10 पेज लिखने में मैंने 1.5 घंटा लगा दिया। चलो अब करते हैं थोड़ा काम। मम्मी के लिए मैंने एप्पल काटा है और मैं खा रही हूँ बनाना, क्योंकि इसको खाना बहुत इजी होता है, बस पील कर और खा लो, धोना भी नहीं पड़ता। अब मैं बेल रही हूँ कचौड़ियाँ और मम्मी छान रही हैं। चलो खाना खाते हैं, पनीर और कचौड़ियाँ। ये ड्रेस मुझे शाम को पहननी है और एज यूजुअल मुझे कोई भी कपड़ा फिट नहीं आता, सबको मुझे खुद से फिटिंग करना पड़ता है। जब शाम को तैयार होना ही है तो कुछ ट्रांजिशन रील्स भी बना लेते हैं। आता नहीं है, बस ट्राई कर रहे हैं। अभी मैं खा रही हूँ लड्डू, बहुत यम्मी है। गेट रेडी विथ मी फॉर दिवाली। एज यूजुअल ड्रेस दीदी ने दिलाया है, इयररिंग भी दीदी ने ही दिलाया है, मतलब सब कुछ मेरा दीदी ही दिलाती हैं। और बस बाल खोल के मैं तैयार हूँ। चलो थोड़ा फ्लॉन्ट हो जाए। फिर छुड़ाए थोड़े से पटाखे, क्योंकि पटाखों के बिना दिवाली अधूरी सी लगती है। और आपने कितने पटाखे छुड़ाए? आप लोग को लगता होगा मैं तो अपने घर में बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाती होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब सब कुछ ख़त्म हो गया, इवन पटाखे भी हमने छुड़ा लिए, उसके बाद मैंने रंगोली बनाई है 9:30 बजे। तो बस 5-10 मिनट में मुझसे जैसा भी बन पाया मैंने वैसा बना दिया, क्योंकि सुबह से शाम तक ये जगह खाली नहीं थी। यहाँ पे कुछ काम हो रहा था, फिर जब ये जगह खाली हुई फिर मुझे मिला बनाने को। जैसा कि मैंने इस वाली वीडियो में बताया था, शादी के कार्ड से रंगोली कैसे बनाएं, वो भी अबीर का यानी गुलाल का यूज़ करके, बस वही तरीके से मैंने इसको बनाया है।
जब मेहनत करके रंगोली बनाई ही है तो एक बार फोटो भी क्लिक करवा ही लेते हैं इसके साथ। वैसे प्यारी लग रही है, भले जल्दी में बनाए। तो मैंने अपना मेकअप हटा लिया है और मैं ज़्यादा देर तक खुले बालों में नहीं रह सकती, तो मैंने छोटी बना ली। और अभी मुझे याद है कि पूजा करते टाइम तो मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं, तो ऐसे ही देख लेते हैं कैसे लग रहे हैं मेरे भगवान जी। बंद लाइट में कुछ ऐसे लग रहे हैं। चलो अब कपड़े चेंज करके आते हैं। कपड़े चेंज कर लिया, अब चलो खाना खाते हैं। खाने में है पनीर पराठा और पुलाव। तो खाना खा लिया है और अब मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, फिर मम्मी गाजर लगाएंगी और मैं सो जाऊंगी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, क्योंकि मैं भूल जाती थी कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और बस आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।